एक जून को जन्मा व्यक्ति काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, कट्टर विचारधारा वाला, लेकिन महत्वाकांक्षी होगा। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। सूर्य सत्ता और संपन्नता का सूचक है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति शाही अंदाज में जीना पसंद करेगा। किसी के कंट्रोल में या दबाव में रहना पसंद नहीं होगा। इन्हें सलाह देना या समझाना सबसे कठिन कार्य होगा। वैसे भी ये लोग काफ़ी समझदार होते हैं, काफ़ी तेज बुद्धि चलती है, संवेदनशील हैं, अपने उत्तरदायित्वों को निभाना भली भांति जानते हैं, इसीलिए अक्सर तनाव की स्थिति में भी रहते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद नहीं। काफ़ी लंबे समय तक एक ही काम में अटके रहना इन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। काफ़ी हंसमुख स्वभाव के हैं, खुश मिजाज, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखना जानते हैं। महफिल की शान होते हैं, जहाँ जाते हैं अपनी वाक्पटुता से सबके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। एक्चुअली ये लोग भली भांति जानते हैं कि किसके साथ कब कैसा बर्ताव रखना है, किसके साथ काम करना है और किससे कितनी दूरी बनाकर रखनी है। इनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोग इन्हें फॉलो करने लगते हैं, इन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं। दूसरों से काम निकलवाने में ये लोग माहिर होते हैं, दूसरों के भरोसे अपने काम को भी छोड़ देते हैं, जिस कारण इन्हें कई बार काम पूरा करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। एक्चुअली कई बार इन्हें स्वयं नहीं पता होता कि आखिर ये लोग पाना क्या चाहते हैं। समाज में मान सम्मान की चाह इनमें हमेशा बनी रहती है, तारीफ की हमेशा इच्छुक रहते हैं। एक समय के बाद जब ये सब पा लेते हैं, बहुत जल्दी उससे उकता भी जाते हैं और पुनः फिर किसी नई दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। हमेशा बेचैन रहते हैं, जिस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई उसे पाने की कामना लिए बेचैन रहते हैं, जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी ज़बरदस्त होती है, याददाश्त काफ़ी तेज होती है। अपने विचारों और अंतःप्रेरणा से प्रेरित होकर इनके किए गए कार्यों में इन्हें काफ़ी सफलता मिलती है। प्रतिभाशाली हैं ऐसे लोग, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, सोसाइटी में इनका काफ़ी सम्मान होता है, लोग इनसे मित्रता करने के इच्छुक रहते हैं, इनके करीब रहने के इच्छुक रहते हैं। कई बार ये बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं, फिर इन्हें समझ पाना भी आसान नहीं होता। इनका स्वभाव नरम और गर्म दोनों ही तरह का देखने को मिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव का इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं ये लोग, अपने घर परिवार के लोगों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा भी करते हैं। सिर्फ परिवार के लोगों की तरफ ही नहीं, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, सभी का ख्याल रखते हैं। अच्छे बुरे वक्त में सबके साथ खड़े होने वालों में से हैं। लाइफ के हर पल में खुशनुमा बनाने का ये विश्वास रखते हैं। इनके सभी एज ग्रुप वालों के साथ अच्छी बनती है, लोगों में ये अत्यंत प्रिय होते हैं। एक तरह से घर के ये अपने परिवार के, समाज के मुखिया के रूप में होते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण भौतिकवादी होता है, ये सभी बातों को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। ये लोग एक अच्छे आलोचक होते हैं, कमजोर पक्ष को जल्दी पकड़ लेते हैं। भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए अच्छे वक्ता होते हैं, गंभीर विचारक हैं, अच्छे बुरे की इनको पहचान है, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के हैं, वास्तविकता में जीने वाले, अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। साहित्य और कला के किसी न किसी क्षेत्र में ये लोग विशेष रुझान रखते हैं। एक जून को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मिथुन, जिसके स्वामी हैं बुधदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य मिथुन राशि का है तो वीडियो आपके लिए है, अगर आपका सूर्य वृषभ राशि का है तो आपको मेरी 1 मई वाली वीडियो देखनी होगी, अगर आपका सूर्य कर्क राशि में है तो आपको मेरी 1 जुलाई को आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी मंथ के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों,
वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 1 जून को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर सूर्य और बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य यानी कि तेज, आपको इनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई देगी। अच्छे लीडर तो होते ही हैं, और वहीं बुध यानी कि बुद्धि, जिन्हें युवराज का दर्जा मिला हुआ है, ऐसे लोग तेज दिमाग के होते हैं। इनके शौक भी एक राजकुमार के जैसे होते हैं। आपको हमेशा ये यंग और एनर्जेटिक नजर आएंगे, ये चाहे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। इन्हें देखकर आप इनकी उम्र का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। सूर्य और बुध दोनों ही आपस में मित्र राशि हैं। वैसे तो सूर्य के नजदीक आने वाले सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन बुध सूर्य के साथ होता है तो ये विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसे व्यक्तियों को धन, वैभव, मान सम्मान सब प्राप्त होता है। वैदिक शास्त्र में इसे बुधादित्य योग के नाम से जाना जाता है। अब चाहे वो कितने ही गरीब परिवार में क्यों ना जन्मा हो, कुंडली में अगर सूर्य और बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी प्रबल रूप से साथ देता है। इनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। जितना ये लोग बोलने की कला में माहिर होते हैं, उतने ही क्रिएटिव माइंड के भी होते हैं। कला के क्षेत्र में इनका विशेष रुझान होता है, इस कारण वहां पर अपना करियर ये तेजी से छूते हैं। कुंडली में अगर सूर्य और बुध शुभ स्थिति में, मजबूत स्थिति में हुए तो ऐसा व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। ऐसा व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाला, बहुत तेज दिमाग का होता है। अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पर ये दुनिया पर राज करता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी। मान सम्मान, धन, रुतबा ऐसा व्यक्ति सब प्राप्त कर लेता है। और इसके विपरीत अगर सूर्य और बुध खराब स्थिति में हुए तो फिर इनका जीवन निरर्थक ही भटकाव की स्थिति में आ जाता है। ये लोग अपने लक्ष्य को पहचान कर भी उससे विमुख हो जाते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति अपना जीवन नशे में, मौज मस्ती में गुजारता है। बहुत जल्दी अपने हर काम से उकताने लगता है, काम को बीच में ही अधूरा छोड़कर चला जाता है। सूर्य अगर कमजोर हुआ तो जातक को आंखों के और मस्तिष्क रोग ज्यादा परेशान करते हैं, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। बुध कमजोर हुआ तो बौद्धिक क्षमता कमजोर हो जाएगी, दिमाग से कमजोर होगा ऐसा व्यक्ति, वाणी में उसके दोष होगा। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में बाधा आएगी। ऐसा व्यक्ति क्रूर मिजाज का हो सकता है। ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट तरीकों से, गलत तरीकों से धन कमाने वाला होगा, बिना मेहनत के धन कमाने वाला होगा। इनका सारा जीवन फिर संघर्ष में ही निकलता है। कुंडली में आपके सूर्य और बुध की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका सूर्य कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब सूर्य और बुध के लक्षण वाली इन वीडियोज को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जान सकें। उपाय के तौर पर सुबह सूर्य नमस्कार करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, हमेशा भोलेनाथ की शरण में रहें, घर में तुलसी जी विराजमान करें, गाय को पहली रोटी खिलाएं, समय समय पर किन्नरों से आशीर्वाद लेते रहें, छोटी कन्याओं को समय समय पर उपहार देते रहें। हाँ, झूठ बोलने से बचें, झूठी गवाही बिल्कुल ना दें, दूसरों के पैसे पर बिल्कुल भी नजर ना रखें। माँ सरस्वती की आराधना करें, खासकर स्टूडेंट्स लोग, बिजनेस क्लास लोग। इन सब के बावजूद परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 2, 3 और 9। 2 का अंक चंद्रमा का, 3 का अंक गुरु बृहस्पति का और 9 का अंक मंगलदेव का। आपके लिए सम अंक है 5 का अंक यानी कि बुध का अंक। आपके शत्रु अंक होते हैं 6, 8, 4 और 7। 6 का अंक शुक्र का,
8 का अंक शनि देव का, 4 और 7 का अंक राहु और केतु का। यहाँ पर राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको शत्रु राशि माना गया है। आप लोगों की शुभ तिथि होती है 1, 10, 19 और 28 तारीख। शुभ दिन है रविवार और सोमवार, यानी कि संडे और मंडे। आपके लिए शुभ रंग होता है गोल्डन कलर, तांबई रंग, ब्राउन कलर, पीला रंग, नारंगी कलर, येलोइश कलर। जितना हो सके गहरे रंगों से दूर रहें, काला और नीला खासकर। आप लोगों की दोस्ती और कंपेटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 मई से 27 जून और 21 जुलाई से 27 अगस्त के मध्य जन्मे लोग। और इस बीच में अगर आपके साथी का जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अलावा 21 फरवरी से 27 अप्रैल, 21 जून से 27 जुलाई और 21 अक्टूबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्म लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में 1, 10, 19 या 28 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।